नमस्कार दोस्त, आपके study.com ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लगभग सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को लेकर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। इस टॉपिक का नाम है G20। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि G20 की स्थापना जो है कैसे हुई, और तब हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि G20 की स्थापना क्यों की गई। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का दक्षिण पूर्व एशिया, कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया में 1997 के समय वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में देखा गया था। उसी समय विश्व के कुछ देशों के द्वारा उस देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सभी मिलकर आपस में बातचीत किए, डिस्कशन किए। तो उन लोगों के द्वारा कहा गया कि विश्व के सभी देशों को एक मंच पर आना पड़ेगा और विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं आपस में कनेक्ट करके विकास करना होगा। तो इसी वित्तीय संकट को लेकर जो है G20 की स्थापना की गई, जो कि 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे कि G20 की स्थापना 1999 में की गई थी, तो विश्व के 7 बड़े देश के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जो 7 देश में है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, इन सभी 7 देशों के द्वारा G20 की स्थापना की गई थी, जो कि ये जो है राष्ट्र विकसित देश के रूप में अभी प्रेजेंट में जाने जाते हैं। 1999 में तो इसकी स्थापना की गई, लेकिन इस G20 शिखर सम्मेलन की जो पहला सम्मेलन किया गया वो 2008 में किया गया था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है इसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेना शुरुआत किए थे, इसको ध्यान रखना। यानी विश्व के सभी नेताओं के द्वारा जो फर्स्ट G20 का सबमिट हुआ था वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में। लेकिन G20 की जो स्थापना की गई, जो नींव रखे गए, या G20 का जो जन्म हुआ वो 1999 में किया गया, वो भी 7 देशों के सहयोग से किया गया। और 1908 के बाद से लगातार G20 का सम्मेलन होते हुए आया। तो इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि G20 में कितने देश अभी प्रेजेंट में शामिल हैं। तो हम बोल सकते हैं 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ, दोनों मिलकर कुल जो है 20 सदस्य के रूप में इस G20 में शामिल हैं। यूरोपीय संघ में अभी जो है 27 कंट्री इस संगठन में शामिल हैं। तो दोनों मिलाकर G20 की स्थापना की गई। G20 में जो 19 राष्ट्र हैं उसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, भारत, अर्जेंटीना, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ, ये सभी देश जो हैं G20 में शामिल हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा बढ़िया से, एग्जाम में ये भी आता है। एक चीज और ध्यान इसमें रखने का चीज है कि भारत जो है G20 का जो सम्मेलन हुआ 2008 में फर्स्ट टाइम, उससे पहले ही जिसमें इसका गठन हो रहा था G20 का,
उसी समय से भारत जो है 1999 से ही सदस्य के रूप में बना हुआ है। तो G20 के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को याद रखना है, इसको ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन जो है 2021 में हाल ही में संपन्न हुआ, वो कब हुआ तो अक्टूबर में संपन्न हुआ, और कहां पर हुआ इस साल 2021 में तो इटली की राजधानी एक रोम है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और जिस देश में ये G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसी देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर कि G20 का शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ उसमें भारत की ओर से कौन प्रतिनिधि किए, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए, यही जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर इस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए। नेक्स्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हम लोगों को याद रखना है कि नेक्स्ट G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2022 में इंडोनेशिया को मिला है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए, 2023 में भारत को मिला है, और 2024 में ब्राजील को मिला है। भारत जब 2023 में इसका आयोजन करेगा उसी समय भारत जो है G20 का अध्यक्ष के रूप में भी रहेगा। और इसमें कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 दिन पहले जो न्यूज में है एक चीज और चर्चा का लेकर, क्या कि 2021 में तो इटली में हुआ संपन्न, 2022 में इंडोनेशिया में होगा, तो एक टोराइका से संबंधित न्यूज में है कि भारत को 2022 में ही टोराइका के श्रेणी में रखा गया। यानी टोराइका का कहने का मतलब है कि भारत को 2023 में जब इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना होगा, तैयारी करना होगा। तो उसी से संबंधित, यानी 2021 में जो इटली में हुआ और 2022 में जो इंडोनेशिया में हुआ और 23 में भारत मेजबानी करेगा, तो इन्हीं तीनों के द्वारा यानी 1 दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से जो है भारत जो है अध्यक्षता के रूप में लेगा, उसी को हम लोग टोराइका कहेंगे, जो कि कुछ दिन पहले ये न्यूज में चर्चा बना हुआ था। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि ये जो G20 शिखर सम्मेलन है ये दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। G20 समूह में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी देशों को दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला राष्ट्र कहा जाता है। इस G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है इसको भी ध्यान रखना है, पीपुल प्लानिट और प्रोस्पेरिटी भी रखा गया है। अब जो है आगे देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन का मेन क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो हम यहाँ लिखे हुए हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए रखना, आर्थिक स्थिरता को बनाए हुए रखना, और जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु संकट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ही बदलाव हुआ है उसको लेकर ध्यान रखना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के ऊपर जो है ध्यान रखना। इन सभी पॉइंट के ऊपर G20 शिखर सम्मेलन का जब भी सम्मेलन होता है इन पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, G20 देशों का जो वैश्विक स्तर पर GDP में सकल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट योगदान है G20 देशों का, तो 85% योगदान है, इसको ध्यान रखिएगा। और वैश्विक व्यापार में ग्लोबल ट्रेड्स में 75% जो है G20 देशों का योगदान है, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट योगदान करता है G20 देशों का, 85%। और विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
यही G20 समूह जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसको भी हम लोग देख लिए कि G20 समूह का जो देश है उसमें पूरे ग्लोबल की तुलना हम करें, पूरे विश्व की तुलना करें, तो इसमें जो है GDP में भागीदारी कितना है, तो 85%। वैश्विक व्यापार में कितनी भागीदारी है, तो 75%। वैश्विक निवेश में 85%। और विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग जो है G20 देश प्रतिनिधित्व करती हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन हम लोग देख लिए बारी बारी से कि इस शिखर सम्मेलन का कहां आयोजन किया गया और नेक्स्ट आयोजन इस शिखर सम्मेलन का कहां कहां किया जाएगा और इस G20 शिखर सम्मेलन का 2021 में क्या थीम रखा गया और इस शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य होता है, उस पर हम विचार कर लिए। अब जो है हम लोग देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुए उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप लोग बताइए दोस्त कि इसके पहले जो है समझ अगर नहीं आया होगा तो एक बार हम शॉर्ट में फिर से आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं, उसके बाद G20 में क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताएं कि G20 की जो स्थापना हुई वो क्यों हुई इसके बारे में हम बताएं, उसके बाद G20 में अभी कितने देश शामिल हैं उसके बारे में बताएं, और G20 का जो हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ उस पर चर्चा किए, और भारत को टोराइका की श्रेणी में जो है रखा गया उस पर हम चर्चा किए। तो G20 की स्थापना क्यों हुई हम बताए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में 1997 में वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में देखा गया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर देखा गया, तो कुछ देशों ने इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए आपस में मीटिंग किए, उसमें डिस्कस किए और सभी देशों को एक मंच पर आने के लिए बोला गया और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है सभी को मिलकर काम करने के लिए कहा गया। तो उसी समय जो है G20 की स्थापना जो है 1999 में की गई, और ये जो स्थापना की गई G20 की उसकी स्थापना विश्व के 7 देशों के द्वारा किया गया, जो कि हम बताए इन 7 देश, और ये भी बताए कि G20 देशों में कुल कितने देश शामिल है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 19 देश शामिल है और एक यूरोपीय संघ, इस यूरोपीय संघ में अभी जो है 27 देश शामिल है। तो 19 देश और यूरोपीय संघ, यहाँ पर 19 देश को हम अभी हम बताए, और इसमें बताया कि भारत जो है 19 जिसमें G20 का गठन हो रहा था उसी समय से भारत भी सदस्यता हासिल की है। और एक चीज और बताया कि G20 शिखर सम्मेलन का जो फर्स्ट टाइम आयोजन किया गया वो 2008 में किया गया, कहां पर, तो अमेरिका के Washington DC में। बेसिक G20 से संबंधित इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम न्यूज को लेकर हम बताएं कि G20 का हाल ही में एक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ अक्टूबर 2021 में, वो कहां पर हुआ, तो इटली के रोम में हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा ही अध्यक्षता की गई, और भारत की तरफ से नेतृत्व कौन किए, रिप्रेजेंट कौन हुए, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद हम बताएं कि G20 का जो नेक्स्ट आयोजन होगा वो 2022 में हम इंडोनेशिया में बोले, 2023 में भारत में होगा, 2024 में ब्राजील में होगा, और यहीं पर हम बताएं कि 2-4 दिन पहले का न्यूज में है कि भारत को ट्रायका की श्रेणी में रखा गया। यानी ट्रायका का अर्थ है कि जो इस साल रोम इटली इसका आयोजन कर रहा, नेक्स्ट 2022 में इंडोनेशिया,
तो इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 को ही जो है इसकी मेजबानी के लिए भारत को तैयारी करने के लिए बता दिया गया, बोल दिया गया, उसी को हम ट्रायका कहेंगे। यानी पहले से तैयारी करने के लिए, यानी इन तीन देशों के द्वारा, यानी इस साल इटली में और नेक्स्ट अगले साल इंडोनेशिया, उसके आगे 23 में भारत। तो भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता को ग्रहण करेगा, उसी को हम ट्राइका कहेंगे। और तब 23 में जाके भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। और उसके आगे हम बताया कि G20 समूह में जितने भी देश शामिल हैं वो सभी दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला राष्ट्र कहलाता है। और इस G20 शिखर सम्मेलन में का जो थीम था वो क्या था, हम बताया पीपुल प्लानिट प्रोस्पेरिटी था। और उसके आगे हम बताया कि G20 समूह का क्या उद्देश्य होता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक को मजबूत करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मजबूत करना, क्लाइमेट चेंज जो अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं उस पर जो है ध्यान आकर्षित करना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना, इन सभी मुद्दों को लेकर जब भी सम्मेलन का आयोजन होता है इस पर डिस्कस किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बताया कि G20 देशों का पूरे वैश्विक स्तर पर क्या भागीदारी है, उसके ऊपर हम बताया कि G20 का GDP में 85% योगदान है और ग्लोबल ट्रेड्स में 75% का हिस्सेदारी करता है G20, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में कितना पार्टिसिपेट करता है तो 85% करता है। और विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व इसी G20 समूह के देशों के द्वारा किया जाता है। अब उसके आगे हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चा हुई वो किस-किस बात को लेकर चर्चा हुई, या G20 शिखर सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए उस पर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, हम ब्लैक बोर्ड को मिटाते हैं। तो यहाँ पर बताए हुए हैं कि G20 में निर्णय जो जो बातें लिए गए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। पहले तो जो भी इस सम्मेलन में निर्णय लिए गए हैं उसको नाम क्या रखा गया है, तो रोम डिक्लेरेशन के नाम से इसको रखा गया है। इस शिखर सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसको हम रोम घोषणा पत्र के नाम से जानेंगे। इसमें पहला क्या बात निकल कर आई, तो जलवायु संकट से निपटने के लिए वर्ष 2050 तक सभी G20 राष्ट्रों को कार्बन उत्सर्जन को एक शून्य लेवल तक लाने की बात कही गई। पहला पॉइंट हम क्या बताया कि जलवायु संकट से निपटने के लिए G20 देशों को आह्वान किया गया वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को एक जीरो लेवल तक, एक शून्य स्तर तक लाने की बात कही गई। दूसरा पॉइंट है कि वैश्विक तापमान को इस सदी के मध्य तक, यानी 2050 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए G20 देशों को बात किया गया है। यानी दूसरा पॉइंट कहने के तात्पर्य है कि G20 देशों के द्वारा आह्वान किया गया, एक समझौता किया गया कि वैश्विक तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस सदी के मध्य तक, यानी 2050 तक सीमित रखने की बात कही गई। उसके बाद आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि G20 समूह के देशों के द्वारा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो किए जाते हैं वो लगभग 80%, यानी G20 समूह के देशों के द्वारा पूरे ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन किए जाते हैं 80%
किए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या और समझौते किए गए, तो नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर बातचीत हुई, नेट जीरो एमिशन पर बात कही गई। इसमें क्या बातचीत हुआ, तो नेट जीरो उत्सर्जन, सबसे पहले ये आप लोग को बता देते हैं कि नेट जीरो उत्सर्जन क्या है। तो किसी भी देश के द्वारा इन्वायरमेंट यानी वातावरण में जितनी भी कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, उतना ही कार्बन उस वातावरण में सोख लेना चाहिए या हटा लेना चाहिए, उसी को हम नेट जीरो उत्सर्जन कहेंगे, या इसको एक शून्य लेवल कहेंगे, शून्य स्तर का बोलेंगे। तो नेट जीरो उत्सर्जन में बात किया गया, इसमें सभी देशों के द्वारा, इसमें जो है कोई समय सीमा तय नहीं की गई इस सम्मेलन में कि नेट जीरो उत्सर्जन को कब तक हासिल किया जाएगा। तो सभी देशों के द्वारा अपना अपना बात रखा गया। चीन सऊदी अरब और रूस ये तीनों देश के द्वारा 2060 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बात कही गई है, यानी लक्ष्य रखा है चीन, सऊदी अरब, रूस। और भारत की याद रखना है, भारत कब तक इस लक्ष्य को पूरा करेगा, तो 2070 तक, यानी भारत जो है 2070 तक कार्बन को कम करने के लिए बात कहा है। तीन पॉइंट बताया। उसके बाद चौथा पॉइंट में है कि वर्तमान में जो भी देश के द्वारा कोयले से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, यानी उस देश में जो कोयले का जो बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो G20 शिखर सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि जिन देशों के द्वारा कोयले से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो उनको जो है वित्त मतलब इन पावर प्लांट के लिए जो है कोई वित्तीय मदद नहीं दिया जाएगा, यानी 2022 से ये भी निर्णय लिया गया। तो आप लोगों को ये बता देते हैं कि कोयले से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो सबसे ज्यादा विश्व में पहला स्थान चीन है और दूसरा स्थान भारत है, यानी दो ऐसे देश हैं जहां कोयले से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, चीन और भारत को, जो कि इन G20 देशों के द्वारा जो है अब इन क्षेत्र से जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी, या और भी कोई भी देश जो है कोयले से जो बिजली का उत्पादन करता हो तो उस पावर प्लांट के लिए जो है वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। इसमें एक और समझौता हुआ मेन रूप से कि कोविड 19 टीका के ऊपर जो है G20 देशों के साथ चर्चा हुई। इसमें ये कहा गया कि G20 देशों के द्वारा या भारत के द्वारा जो वैक्सीन जो है WHO से अप्रूव के लिए बोला गया, यानी कोविड-19 से संबंधित भारत समेत कई देश जो है उत्पादन टीके के रूप में किए हुए हैं, तो WHO जो है उस टीके को मान्यता नहीं दिया है, तो आपातकालीन उपयोग के लिए WHO से मंजूरी देने के लिए कहा गया है। और एक और बात इसमें ध्यान रखना है कि भारत जो है दिसंबर 2022 तक 5 बिलियन कोविड-19 टीकों का उत्पादन कर लेगा, जो कि विश्व के कई देशों को इस टीके को मदद किया जाएगा, ये भारत के द्वारा बात कही गई, इसमें ध्यान रखना है। तो आप लोगों को हम बताएं
G20 शिखर सम्मेलन में क्या क्या बात हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए अंत में, उसको फिर से हम एक बार रिव्यू करते हैं। आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से इसको सुनिएगा। G20 में सबसे पहले बात रखा गया कि जो वैश्विक तापमान है वो इस सदी के अंत तक यानी वर्ष 2050 तक जो है वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने को कहा। उसके बाद हम नेट जीरो उत्सर्जन का बात किए तो नेट जीरो उत्सर्जन का जो है इस G20 शिखर सम्मेलन में कोई लिमिट समय के लिए नहीं तय किया गया। सभी देश अपने अपने समय निर्धारित किया है, जैसे रूस, सऊदी अरब जो है 2060 का लक्ष्य रखा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, चीन भी 2060 तक रखा, उसके बाद भारत 2070 तक रखा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र जो है 2050 तक लक्ष्य रखा कि हम कार्बन उत्सर्जन को एक जीरो लेवल पर, एक शून्य स्तर पर हम ले आएंगे। नेट जीरो उत्सर्जन क्या है उसके बारे में हम बताया कि किसी भी देश के द्वारा उस वातावरण में जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है उतना ही मात्रा कार्बन का जो है सोख लेना चाहिए, यानी वहां से हट जाना चाहिए कार्बन, इसको हम बताया। उसके बाद इसमें ये भी निर्णय लिया गया COVID-19 के टीकों को लेकर WHO को मंजूरी देने के लिए कहा कई राष्ट्र जो है। और एक और बताया कि कोयला से जो भी देश बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो उस देश को उस पावर प्लांट के लिए जो है वित्तीय ऋण अब नहीं दिया जाएगा। और एक बात छुटा हुआ था कि जलवायु संकट से निपटने के लिए G20 देशों के द्वारा लगभग $100 अरब जो है G20 देशों के अंदर जो भी गरीब देश हैं उनको जलवायु संकट से निपटने के लिए उनको $100 अरब का ऋण दिया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सभी पॉइंट्स जो है रोम घोषणा पत्र के तहत कहलाएंगे, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में सारी बात निर्णय लिए गए हैं। तो आप लोग दोस्त G20 के बारे में समझ गए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और हाल ही में कहाँ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आज का क्लास दोस्त यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।